चलते रहो, जहां बैलेंस खराब हो वहीं रोक देना। स्टॉप 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 स्टॉप, जबरदस्ती नहीं करनी मैडम ज्यादा। जैसे ही बैलेंस खराब हो ब्रेक लगा दो। चलते रहो, शाबाश। मैडम के पैर अपने आप हवा में उठ रहे हैं, एक से दो दिन में ये पॉइंट इनका क्लियर हो जाएगा और इनका जो यू टर्न वाला मैटर है वो भी काफ़ी हद तक पहले से ठीक है। इंडिकेटर देती हैं बकायदा, क्योंकि मेरी जैकेट टंगी हुई है तो आवाज़ ही सुनाई देगी, आप लोगों को लाइट नहीं दिखाई देगी। मैं इसको हटा देती हूँ क्योंकि फिर ये, चलो घुमा लो घुमा लो। इंडिकेटर क्यों देना चाहिए, ताकि पीछे वाले को पता लगे कि हमें इधर मुड़ना है। और उसके साथ देखो मैडम ने इंडिकेटर बंद किया। चलो आओ, बंद कर दो। हाँ, बीच में बीच में बीच में बस, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मेरा हॉर्न कहाँ है, इंडिकेटर कहाँ है। और शीशों में देखना भी बहुत ज़रूरी है, शीशों में जब भाई महान ही है लोग, यहाँ से एक्सपर्ट लोग हैं ना। देखो लेफ्ट से कौन, राइट से होता है ना, राइट से होता है ओवरटेक, तो बहुत एक्सपर्ट लोग मिलेंगे, बहुत ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको ना डीमोटिवेट करेंगे रोड पे हॉर्न बजा बजा के। हाँ तो वो लेफ्ट से मुड़ के गया, अरे भैया तू इधर से आ जाए ना, पूरी जगह पड़ी है तेरे पास। क्या है ना मैडम, देखो ज़्यादा दिक्कत ये लोग करते हैं रोड पे, लेकिन हमें आदत होनी चाहिए इन सब चीज़ों की, क्योंकि अब जैसे नया बंदा सीख रहा है, सबको दिखता है नया सीख रहा है, फिर भी हॉर्न मारते हैं ज़बरदस्ती। स्टॉप, आराम से। स्टार्टिंग में ना ये समस्या सबके साथ आती है कि कोई हॉर्न तेज की मार देता है, कोई डीमोटिवेट कर देता, आसपास वाले डीमोटिवेट करते हैं, ओ इतने दिन हो गए अभी तक तूने पैर नहीं ऊपर रखे। नहीं ये मैम आपकी बात नहीं है, ये मैं वीडियो में पता क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो जो लोग मेरी वीडियो देख के सीखते हैं ना, उनके साथ भी ये सब होता है कि अरे तूने पैर नहीं रखे ऊपर। अरे भैया जब उसका डर ख़त्म होगा तभी तो, अब ज़बरदस्ती रखेगा तो वो गिर जाएगा और जो उसने सीखा वो ख़राब हो जाएगा। लोग नहीं समझते ना मैम इस चीज़ को, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ क्लियर होती है। हाँ वही बात है। अब वो मैंने जो दूसरी आती हैं उनकी कॉलोनी में किसी ने उनको डीमोटिवेट कर दिया इतना ज़्यादा, बेचारी इतनी परेशान हो गई, मैंने बड़ी मुश्किल से उनको समझाया, नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि आप समझो ना कि नया बंदा सीख रहा है तो उसके साथ दिक्कत है भाई, उसका अभी इतना इतनी उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो हर चीज़ को झेल ले, धीरे धीरे होता है ये सब। हाँ स्टेप बाय स्टेप ही तो चलोगे ना, अब पता नहीं क्या छलांग लगाने की लगती है लोगों को, फिर एक्चुअल में क्या है ना मैम, लोग ये भूल जाते हैं कि कभी हमने भी सीखी थी और डर हमें भी लगा था। ये भूल जाते हैं लोग। मैडम कितना अच्छा कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं पूरी पूरी, लेकिन जहाँ उनको लगता है कि हाँ मुझे अभी यहाँ ब्रेक, हाँ घुमाओ, जहाँ मुझे ब्रेक लगा लेनी चाहिए वहाँ पूरी आराम से ब्रेक लगाती हैं इंडिकेटर दे के बाकायदा। तो ये इसीलिए ही ये सब चीज़ें करनी है, और किसी की बातों में आके ना डीमोटिवेट नहीं होना आप लोगों को, क्योंकि डीमोटिवेट होने से ना क्या होता है ना कि हम हिम्मत ही हार जाते हैं, फिर हमारा जो सपना होता है ना स्कूटी का वो रह ही जाता है हमारा सपना। तो ध्यान रखना है इन सब चीज़ों